हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय यादव फ्रॉम एमपीआईसी रोहली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट के लेसन 2 द एड्रेस नामक पाठ से संबंधित है। इसके लेखक हैं मार्गा मिंका ने बहुत ही शानदार तरीके से पाठ लिखा है द एड्रेस। यह एक महिला लेखिका हैं। यह कहानी इन्होंने अपनी माता के बारे में लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पार्ट का मीनिंग नोट करेंगे ताकि आपको मीनिंग जब याद हो जाए तो इस पार्ट को पढ़ाने में हमें आसानी हो। तो आइए चलिए मीनिंग शुरू करते हैं। इस पार्ट का मीनिंग आपका यहाँ शुरू होगा। आपके सामने एक पेज दिख रहा है। इस पेज में एक एक लाइन आप लोग ध्यान से देखें। और तो आपका पहले लाइन में कुछ नहीं है। सर्चिंगली SERCHINGLY सर्चिंगली माने होता है खोजते हुए, तलाशते हुए। फिर अगला माने देखे चिंक लिखा है CHINK चिंक CHINK आपको चिंक लिख रहा हो ना CHINK। फिर से देखें स्पेलिंग CHINK She had opened the door a chink. ए चिंक माने थोड़ा सा कह लीजिए, चिंक मीन्स थोड़ा सा। फिर एक क्लोजर माने और निकट। क्लोजर के बाद दूसरी लाइन में आप देखेंगे स्टेप। स्टेप मीन्स होता है कदम। स्टेप मीन्स कदम होता है। नेक्स्ट मीनिंग देखें आपको अगली लाइन में कुछ नहीं है। आई एम मिस्टर जेसस डॉटर सी हेल्ड हर हैंड। देखिए हेल्ड लिखा है HELD हेल्ड माने सेकेंड फॉर्म है होल्ड का। तो आप लिखें होल्ड। होल्ड माने होता है पकड़ना। होल्ड मीन्स पकड़ना। अगला माने आपको मिलेगा प्रिवेंट PREVENT प्रिवेंट माने होता है रोकना। प्रिवेंट माने रोकना। फिर है फर्दर माने और आगे। फर्दर माने पुनः या और आगे होता है। एब्सोल्युटली ABSOLUTELY एब्सोल्युटली माने होता है पूरी तरह से। एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से या निश्चित रूप से। साइन SIGN साइन माने चिन्ह या संकेत होता है। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान होता है। स्टेयर STARE आप स्टेयरिंग नहीं लिखेंगे STARE स्टेयर माने होता है एक टक निहारना या घूरना। अगले पैराग्राफ में आते हैं। मिस्टेक MISTAKE मिस्टेक माने गलती होता है। परहैप्स PERHAPS परहैप्स मीन्स शायद। अगले लाइन में फ्लिटिंगली माने होता है झटके से। फ्लिटिंगली मीन्स झटके से। FLEETINGLY फ्लिटिंगली माने झटके से, सरसरी निगाह से। नेक्स्ट मीनिंग है प्रोबेबल PROBABLE प्रोबेबल माने होता है संभवता है। प्रोबेबल मीन्स संभवता है। प्रोबेबल के बाद अगला माने आपको दिखाई देगा रंग WRONG रंग माने गलत। बेल मीन्स घंटी BELL अगला माने आपको मिलेगा निटेड KNITED निटेड माने होता है बुना हुआ, हाथ का बुना हुआ या खाली बुना हुआ लिखे। कार्डिगन CARDIGAN कार्डिगन मीन्स होता है एक प्रकार का कपड़ा। वुडन WOODEN वुडन बटन्स लिखिए। वुडन बटन्स तो वुडन बटन्स माने लकड़ी की बटन, लकड़ी की बटन। फिर अगला माने पैल PALE पैल माने पीला होता है। पैल के बाद वास, वास नहीं लिखेंगे, जानते हैं वास माने धोना होता है। फिर अगला माने है हिड HID देखिए आपको एकदम नीचे HID दिख रहा होगा। हिड ये हाइड का सेकंड फॉर्म है। हिड माने छिपाया या छिपाई। चलिए अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। वेल यू न्यू माई मदर इसमें कोई माने नहीं है। हैव यू कम बैक इसमें कोई माने नहीं। सेड द वुमन थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी। चलिए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। ए डोर ओपेंड क्लोज्ड इन द पासेज यहाँ पासेज शब्द का अर्थ देख लीजिए PASSAGE पासेज माने होता है गलियारा या बरामदा। मस्टी MUSTY मस्टी माने होता है दुर्गंधयुक्त या सड़न कह लीजिए। स्मेल माने सुगंध या महकना या सूघना भी होता है। इमर्ज माने होता है निकलना या उभरना। रिग्रेट माने होता है पछताना।
अगला माने आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। तो मोमेंट लिखें एम ओ एम ई एन टी, मोमेंट माने पल या क्षण, मोमेंट मीन्स पल या क्षण। इनकन्वीनियंट, अगले लाइन में आपको दिख रहा है इनकन्वीनियंट, आई एन सॉरी इन नहीं भाई कन्वीनियंट है, सी ओ एन वी ई एन आई ई एन टी। कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधा आराम। अगला माने नॉड, एन ओ डी, नॉड माने सर हिलाना। कॉससली, सी आई यू टी आई ओ एस एल वाई, कॉससली माने होता है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक के बाद देखें डिस्टर्ब, डी आई एस टी यू आर बी, डिस्टर्ब माने दखल देना या परेशान करना। नेक्स्ट मीनिंग है कर्टेन, सी यू आर टी ए एन, कर्टेन मीन्स होता है पर्दा। कर्टेन के बाद आप अगले लाइन में चलें, कर्टेन के बाद स्टेयर हो ही गया है, वांटेड नथिंग नहीं है। चलिए इस लाइन में चलते हैं, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट। तो नेम प्लेट माने कुछ नहीं, नाम का प्लेट होता है, इसको छोड़ दीजिए। इनेमल, ई एन ए एम ई एल, इनेमल माने होता है, इनेमल मतलब उसे पेंट से रिलेटेड है, यानी नक्काशी किया हुआ। इनेमल मीन्स नक्काशी किया हुआ या बनाया गया। अगला माने है देखें एबिट, ए बिट, बी आई टी बिट माने होता है, बिट माने थोड़ा सा या टुकड़ा। तो चलिए आपको आपको अगले पैराग्राफ में ले चलते हैं, आई जे वॉकड, आपको दिख रहा होगा आई जे वॉकड। इस पैराग्राफ में आपको जो पहला माने दिखाई दे रहा है एड्रेस, एड्रेस मीन्स पता होता है। सेकंड लाइन में है एड्रेस, एड्रेस के बाद आपको अगला माने दिखाई देगा वार, डब्ल्यू ए आर, वार माने युद्ध। युद्ध के बाद अगला माने स्ट्रक, एस टी आर यू सी के, स्ट्रक माने प्रभावित करना या सूझना कह लीजिए, सूझना। इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत या तत्काल। अगला माने आपको मिलेगा मिस, एम आई डबल एस, मिस माने खो देना। वेरियस माने विविध या अनेक। सरप्राइज, एस यू आर पी आर आई एस ई, सरप्राइज माने चौंक जाना, चौंक जाना। के बाद देखें नोटिस, एन ओ टी आई सी, नोटिस माने जानना। क्विकली उसी के आगे लिखा हुआ है, क्विकली माने जल्दी से। क्विकली के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अपारेंटली, ए डबल पी ए आर ई एन टी एल वाई, अपारेंटली माने स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट मीनिंग अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस माने होता है परिचित या पहचान वाला। नेक्स्ट मीनिंग आपको मिलेगा रेन्यू, आर ई एन ई डब्ल्यू, रिन्यू माने नवीनीकरण करना या ताज़ा करना। कॉन्टैक्ट माने संपर्क, कॉन्टैक्ट मीन्स होता है संपर्क। रेगुलरली माने होता है नियमित रूप से, नियमित रूप से। चलिए अगला पैराग्राफ में चलते हैं, एवरी टाइम वाले पैराग्राफ में। एवरी टाइम के बाद देखें लिखा हुआ है, पहली लाइन में कोई माने नहीं है, फिर टुक माने लिखना नहीं है, सिल्वर लिख लीजिए, एस आई एल वी ई आर, सिल्वर माने चांदी होता है। एंटीक प्लेट, इसके माने एक प्रकार की प्लेट होता है, एंटीक प्लेट माने एक प्रकार की प्लेट। हंग, एच यू एन जी हंग, माने लटकना होता है। लगिंग, एल यू डबल जी आई एन जी, लगिंग माने जोर देते हुए। वेस, वी ए सी, वेस माने होता फूलदान, जहाँ पर फूल लगाए जाते हैं। वरीड, वरीड माने होता है चिंतित। अगला क्रिक, सी आर आई सी के, क्रिक माने यहाँ कह लीजिए दर्द या कष्ट। बैक, बी ए सी के, बैक मीन्स पीठ होता है। नेक्स्ट मीनिंग आपको दिख रहा है सुख, एस एच डबल ओ के, सुख माने हिलाना। पिटी एंगली माने दया, क्या लिखेंगे, दया, दया की भावना से। पिटी एंगली माने दया की भावना से। फिर आपको अगला माने दिख रहा है डेयर, डी ए आर ई, डेयर माने होता है हिम्मत करना, डेयर मीन्स हिम्मत करना। इंसिस्ट, इंसिस्ट माने होता है बाध्य करना या मजबूर करना, इंसिस्ट माने बाध्य करना या मजबूर करना। नेक्स्ट मीनिंग लूज, एल ओ एस, लूज माने खो देना होता है। अब अगला है हैव यू अग्रीड से, इस लाइन में देखें तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। नेक्स्ट मीनिंग है आई जी फॉले लाइन में, नेसेसरी मीन्स आवश्यक या जरूरी, एन ए सी डबल एस ए आर वाई, नेसेसरी मीन्स जरूरी होता है। नेक्स्ट मीनिंग इंसल्ट, आई एन एस सी यूल्टी, इंसल्ट माने होता है अपमान। इंसल्ट के बाद अगला माने रिस्क, आर आई एस के, रिस्क माने खतरा होता है। अगला माने देख लीजिए आपको मिला है एकदम नीचे देखिए सूटकेस, सूटकेस माने एक प्रकार का
एक प्रकार का बक्सा, सूटकेस में एक प्रकार का बॉक्स या संदूक भी कह सकते हैं। आइए आपको अगले पेज पर हम ले चलते हैं, माई मदर सीम टू नोटिस। इस लाइन में तो इस लाइन में आपको जो पहला मानी वाला इंटायरली, इंटायरली मीन्स होता है पूरी तरह से, कन्विंस्ड उसी का आ गया, कन्विंस्ड मतलब संतुष्ट होना। अगला है रिप्रोविंगली, रिप्रोविंगली मन होता है नाराज होते हुए या क्रोधित होते हुए, नाराज होते हुए। अगला माने मीन वाइल वाले पैराग्राफ में देखिए अराइव, ए डबल आर आई वी, अराइव माने होता है पहुंच जाना, अराइव के बाद आपको अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान होता है, अटेंशन के बाद फेमिलियर, एफ एम आई एल आई ए आर, फेमिलियर मीन्स परिचित या जान पहचान वाला। फेमिलियर के बाद अगला माने है अपसेट, यू पी एस ई टी, अपसेट माने परेशान। अपसेट के बाद साइट, एस आई जी एस टी, साइट माने दृश्य होता है। स्ट्रीट उसी का आगे लिखा हुआ, एस टी आर डबल ई टी, स्ट्रीट माने गली या सड़क। मेमोरी, मेमोरी माने याददाश्त, स्मृति। प्रेसियस माने बहुमूल्य होता है। इन द ट्रेन बैग, इस पैराग्राफ पर चलिए, इन द ट्रेन बैग वाले पैराग्राफ में आपको जो पहला माने लिखा है इधर फ्रंट, फ्रंट माने सामने। और अगला माने इस लाइन में कुछ नहीं है, डाउन स्टेयर मतलब नीचे का कमरा होता है बच्चों, डाउन स्टेयर मीन्स नीचे का कमरा। और ब्रॉड, बी आर ओ डी, ब्रॉड माने चौड़ा होता है। और बैक माने लिखे हैं पीठ। तो अब आपको अगले पैराग्राफ की तरफ ले चलते हैं, देर इज माई डॉटर। इस पैराग्राफ में देखिए तो आपको मिलेगा बीकॉन, बी सी के ओ एन, बीकॉन मीन्स संकेत करना, बीकॉन मीन्स होता बच्चों संकेत करना। नॉड, एन ओ डी, एक बार लिखे हैं पीछे, सिर हिलाना चाहे तो ना लिखें, नॉड माने सिर हिलाना। सूटकेस लिख ही चुके हैं। कोट रैक, सी ओ ए टी, कोट रैक मतलब कोट रखने की जगह। नेक्स्ट है ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन माने होता है क्या लिखेंगे, भूरा, ब्राउन मीन्स भूरा होता है। सेपलेस, एस एच ए पी एल ई डब्ल्यू एस, सेपलेस माने होता बिना आकार का, जिसका कोई आकार ना हो। फिर अगले लाइन में देखा डिफिकल्टी, डिफिकल्टी माने परेशानी होता है। परेशानी के बाद अगला माने कुछ दिख नहीं रहा खास। आइए इस लाइन में, आई हैड रिमेम्बर्ड, इस पैराग्राफ में देखें तो आपको मिलेगा वेट, डब्ल्यू ए आई टी, वेट माने प्रतीक्षा करना होता है। इनिशियली, आई एन आई टी आई ए डबल एल वाई, इनिशियली माने होता है परिचय देते हुए, इनिशियली माने परिचय, इनिशियल माने तो संक्षिप्त या संक्षिप्त रूप से कह लीजिए, संक्षिप्त रूप से। और लिबरेशन माने आज़ादी, एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से, ए बी एस ओ एल यू टी एल वाई, एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से। एब्सोल्युटली के बाद आपको मिलेगा स्टफ, एस टी यू डबल एफ, स्टफ माने सामान या वस्तु। नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से। अगला माने उसी लाइन में अफ्रेड, ए एफ आर ए आई डी, अफ्रेड माने डर या भय। अगला कन्फ्रंट, सी ओ एन एफ आर ओ एन टी, कन्फ्रंट में सामना करना होता है। फिर बिलोंग, बी ई एल ओ एन जी, बिलोंग माने संबंध रखना। कनेक्शन, कनेक्शन माने संपर्क या संबंध, कनेक्ट से बना हुआ है। तो कनेक्शन के बाद अगला माने एग्जिस्ट, ई एक्स आई एस टी, एग्जिस्ट माने होता है मौजूद होना, मौजूद होना। हिडन, एच आई डबल डी ई एन, हिडन माने छिपा हुआ। कपबोर्ड, कपबोर्ड माने अलमारी होता है। वेन, वी ए आई एन, वेन माने व्यर्थ होता है। फिर अगला माने इंड्योर, ई एन डी यू आर ई, इंड्योर माने सहन करना, इंड्योर मीन्स सहन करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बट ग्रेजुअली वाले लाइन में आ जाइए। ग्रेजुअली, जी आर ए डी यू ए डबल एल वाई, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे। नॉर्मल माने सामान्य। ब्रेड, बी आर ई ए डी, ब्रेड माने भोजन होता है, जानते हैं। ब्रेड के बाद आपको अगला माने दिखाई दे रहा अनथ्रिएटेंड, अनथ्रिएटेंड लिख रहा बिल्ला होगा तीसरी लाइन में, यू एन टी एच आर ई ए टी ई एन ए डी। अनथ्रिएटेंड माने होता है निर्भीक होकर, बिना किसी डर के। व्यू, वी आई ई डब्ल्यू, व्यू माने दृष्टि या नज़र होता है। ग्लैंसिंग, जी एल ए एन सी आई एन जी, ग्लैंसिंग माने होता है निहारते हुए, देखते हुए। फिर अगला माने क्यूरियस, सी यू आर आई ओ यू एस, क्यूरियस माने होता है उत्सुक या जिज्ञासु। फिर है पजेशन, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई ओ एन, पजेशन माने वस्तु या सामान। नेक्स्ट माने टच, टी ओ यू सी एस, टच माने छूना होता है, स्पर्श। अब आइए अगले पैराग्राफ, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट।
तो विजिट माने लिख लीजिए, विजिट माने यात्रा होता है, यात्रा या भ्रमण। और अगला माने कुछ खास दिख नहीं रहा है, चलिए अगले लाइन में चलते हैं, हम अगले पैराग्राफ में आ जाए इसमें। आई फॉलोड द गर्ल एलॉन्ग, तो आई फॉलोड, तो फॉलोड लिखिए, फॉलोड माने होता है पीछा करना या अनुसरण करना। ओल्ड फैशनड, ओल्ड फैशनड पहले लाइन में आपको दिख रहा है माने बहुत पुराना, ओल्ड फैशन। कैंडल, सी ए एन डी एल, कैंडल माने होता है मोमबत्ती। और कैंडल के बाद आपको लिखा है मिरर, एम आई डबल आर ओ आर, मिरर माने दर्पण या शीशा जिसमें चेहरा देखा जाता है। अगला कंबरसम, सी यू एम बी ई आर एस ओ एम ई, कंबरसम माने भद्दा। कंबरसम मीन्स होता है भद्दा, बहुत ही खराब, बेतुका, भारी भरकम। कंबरसम के बाद आपको जो अगला माने मिलेगा कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक मतलब वही मोमबत्ती, मोमबत्ती इसको कहा जाएगा। अब अगले पैराग्राफ में देखें, वुड नॉट यू सिट डाउन वाले पैराग्राफ में, तो इसमें आपको जो पहला मिलेगा इनसाइड, आई एन एस आई डी, इनसाइड माने अंदर की तरफ। फिर अगला माने हारीफाइड, ये चो डबल आर आई एफ आई ई डी, हारीफाइड माने होता है भयभीत। हारीफाइड के बाद आपको जो अगला माने मिलेगा मिड्स्ट, एम आई डी एस टी, मिड्स माने मध्य में, मिड्स मीन्स मध्य में। फिर अप्रेस, ओ डबल पी आर ई डबल एस ई डी, अप्रेस माने होता है परेशान करना, दुखी करना। फिर है एटमॉस्फियर, ए टी एम ओ एस पी एच ई आर ई, एटमॉस्फियर माने वातावरण होता है। टेस्टलेस, टी ए एस टी ई एल ई डबल एस, टेस्टलेस, टेस्टलेस माने होता है स्वादहीन, जिसका कोई स्वाद ना हो। अरेंज, ए डबल आर ए एन जी, अरेंज माने व्यवस्था करना। अगली मीन्स भद्दा होता है। फर्नीचर आप जानते ही हैं, फर्नीचर माने लकड़ी का सामान, और फर्नीचर के बाद लिखा मगी, मगी स्मेल, एम यू डबल जी वाई, मगी स्मेल, तो मगी स्मेल माने होता है उमसदार दुर्गंध, उमसदार दुर्गंध, उमस के कारण दुर्गंध को कहेंगे उमसदार दुर्गंध। हंग, एच यू एन जी, हंग माने होता है लटकना। और स्केर्सली, एस सी ए आर सी ई एल वाई, स्केर्सली माने मुश्किल से। और डेर माने आप लिखे हैं हिम्मत करना। फिर इस लाइन में आपको ऊलन दिख रहा है, एक शब्द ऊलन, डब्ल्यू डबल ओ डबल ई एल ई एन, ऊलन माने होता है ऊनी, ऊन या ऊनी। फिर रब, आर यू बी, रब माने होता है रगड़ना। चलिए रब के बाद आपको आगे ले चलते हैं। फिंगर, एकदम ऊपर वाले लाइन में देखें, फिंगर आपको मिलेगा, फिंगर माने अंगुली। अंगुली के बाद पैटर्न, पी ए डबल टी ई आर एन, पैटर्न मीन्स होता है नमूना, नमूना। यज, यज माने किनारा। अगले लाइन में बर्न, बी वर्न, बर्न माने जलना होता है। मार्क माने चिन्ह होता है, चिन्ह। और फिर रिपेयर, रिपेयर माने होता है मरम्मत करना। रिपेयर के बाद आपको जो माने दिखाई दे रहा है बैक, लेकिन बैक लिखे हैं, छोड़ो बैक क्या लिखेंगे। और चलिए आपको अगले चलते हैं, आई लुक डे, इस पैराग्राफ में देखते हैं कोई माने, कोई माने खास दिख नहीं रहा। पोर, पी ओ यू आर, पोर माने उड़ेल देना, उड़ेल देना। पॉट, पी ओ टी, पॉट माने बर्तन, बर्तन के बाद लिड लिखा हुआ जो एल आई डी, लिड माने ढक्कन, ढक्कन के बाद आपको अगला माने दिखाई दे रहा है स्पून, देख लीजिए एकदम ऊपर, स्पून माने चम्मच होता है। और नाइस माने अच्छा होता है, इसको क्या लिखना है। वॉइस, वी ओ आई सी, वॉइस माने आवाज़, आवाज़ के बाद अगला माने आपको दिखाई देगा, कुछ खास दिख नहीं रहा है। पॉइंट दिख रहा है बच्चों, यहाँ ऊपर देखें पॉइंट, पी ओ आई एन टी, पॉइंट माने संकेत करना, संकेत करना। अगला नीड माने आवश्यकता होता है, फॉलो आप लिख ही चुके हैं। और फैंसी भी लिख चुके हैं। प्यूटर प्लेट बच्चों, एक शब्द दिख रहा है आपको, प्यूटर प्लेट, तो बच्चों प्यूटर प्लेट माने होता है जस्ते की प्लेट, जस्ता एक प्रकार का मेटल है, धातु है, तो जस्ते का प्लेट। फिर अगला माने आपको मिलेगा हैंगिंग, एच ए एन जी एन जी, हैंगिंग माने लटकते हुए। हैंगिंग के बाद आपको कोई माने दिख नहीं रहा। बर्न लिख ही चुके हैं, बर्न माने जलना होता है। क्वेश्चन, क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चन से बना क्वेश्चनिंगली माने प्रश्न करते हुए। टच,
आपको लिखना नहीं है, टच माने छूना हो गया है। आइए अगले पैराग्राफ में ले चलते हैं। ये संभवतः अंतिम पैराग्राफ होना चाहिए जी। तो नोटिस आप लिख चुके हैं, नोटिस के बाद अपना माने रिपेयर भी हो चुका है। एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल माने उदाहरण होता है। अननेचुरल, अननेचुरल माने अप्राकृतिक, अस्वाभाविक होता है। अननेचुरल माने अस्वाभाविक या अप्राकृतिक। अननेचुरल के बाद आपको जो माने दिखाई देगा पॉलिश, पी ओ एल आई एस एस, पॉलिश माने चमकाना होता है। प्रोबेबली, पी आर ओ बी ए बी एल ओ, प्रोबेबली माने संभवतः होता है। बोर, बी ओ आर ई, बोर माने उबना या थकना। स्टे, एस टी ए वाई स्टे, माने ठहरना होता है। इल जानते हैं, इल माने बीमार होता है, इसको क्या लिखा जाए। फिर है स्पून, आप लिख ही चुके हैं। फार्क, एफ ओ आर के, फार्क माने कांटेदार चम्मच, एक ऐसा चम्मच होता है जो आगे की तरफ कटा होता है, उसका प्रयोग चाउमीन खाने के लिए किया जाता है। फार्क माने कांटेदार चम्मच। नेक्स्ट मीनिंग है आपको कटलरी, कटलरी माने होता है बच्चों ये भी उसे चम्मचों की श्रेणी में रखा जाता है कटलरी को, तो कटलरी माने भी लिखेंगे चम्मच से लिख दीजिए। नेक्स्ट मीनिंग आपको मिलेगा बेट, बी टी, बेट माने शर्त लगाना, बेट मीन्स शर्त लगाना। इंटेंटली माने होता है ध्यान से, इंटेंटली के बाद आइए आपको मान लो चलते हैं हेजिटेट। अगले पैराग्राफ में आपको दिख रहा है हेजिटेट माने हिचकिचाना होता है। हेजिटेट के बाद आपको अगला माने ड्रावर, डी आर ए डब्ल्यू ए, डरो माने कपाट, कपाट। नेक्स्ट मीनिंग आपको मिलेगा, यहाँ ले चलते हैं, इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। पुल, पी ओ डबल एल, पुल माने खींचना होता है। फिर आपको अगला माने देखते हैं जिंगलिंग, जे आई एन जी एल आई एन जी, जिंगलिंग माने होता है झंझनाते हुए, झंझनाते हुए बर्तनों की आवाज़ को कहेंगे जिंगलिंग। अब आते हैं एट द कॉर्नर, इस अंतिम पैराग्राफ में देखिए कुछ माने दिख रहा है। तो इसमें करेक्ट, सी ओ डबल आर ई सी टी, करेक्ट माने सही होता है। करेक्ट के बाद अगला माने आपको ऑब्जेक्ट माने वस्तु होता है। लिंक या लाइन का, लिंक माने जोड़ना होता है या कड़ी होता है, फेमिलियर हो ही गया है। फॉर्मर, एफ ओ आर एम ई आर, फॉर्मर माने पूर्व या पहले। इंस्टेंटली माने तुरंत। वैल्यू, वी ए एल यू ई, वैल्यू माने महत्व होता है, वैल्यू माने महत्व। सीवर, एस ई वी ई आर, एस ई वी ई आर, सीवर माने कष्ट देना होता है बच्चों, सीवर माने कष्ट देना। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स माने वातावरण। और स्मॉल रेंटेड रूम, स्मॉल रेंटेड रूम मतलब होता है किराए का छोटा कमरा, किराए का छोटा कमरा। अगला माने आपको विंडो लिखना नहीं, खिड़की होता है। और रिजॉल्व, आर ई एस ओ एल वी, रिजॉल्व माने होता है निश्चय करना, प्रतिज्ञा करना। फॉरगेट माने भूल जाना। और ईजीएस्ट अंतिम माने आपका बच्चों ईजीएस्ट, ईजी से बना, ईजीएस्ट माने सबसे आसान। तो बच्चों यहाँ आपका मीनिंग पूरा हो गया है, आप इस मीनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम इसको हिंदी अनुवाद इस पाठ का पढ़ाएंगे, तब तक आप माने बढ़िया से याद कर लीजिए, और जब माने याद रहेगा तो आपको पाठ समझने में ज़्यादा कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।